नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। आज मथुरा जिलाधिकारी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उसमें बागी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रसोई गैस के दामों में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जाए और मथुरा के छाता कस्बे के गाँव खेरिया छाता के कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जाए। मोदी सरकार द्वारा राफेल विमान 526 करोड़ की कीमत के स्थान पर 16 करोड़ में खरीदने की जीपीसी से जांच कराई जाए और सौदा रद्द किया जाए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में जीएसटी में लाया जाए तथा तत्काल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के करों में कटौती की जाए। समाचार टू जेड के लिए हेमंत कटारा के साथ रोहित ओजल की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है, क्या पद है और आज आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है डीएम साहब? कॉम्रेड राधा चौधरी, हमारी वामपंथी पार्टियों पूरे देश में आज हम लोग राइफल से डील में हुए घोटाले के खिलाफ उनके कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए। हमारे पूरे देश में हमारे किसान मजदूरों पर जो मौजूदा सरकार में बर्बरतापूर्वक हमले हो रहे हैं, उनकी नीतियों पर हमले हो रहे हैं। किसान को लाभकारी कीमत नहीं है। आज आपदा की मार से मथुरा जिले के अंदर नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ मथुरा जिले के अंदर भी किसानों की फसल नष्ट हुई है, पानी से जलमग्न हुई है और जो फसल है धान की फसल है उसमें एक कीटनाशक ऐसा रोग लगा हुआ है कि वो फसल उसमें दाना नहीं है। हम मांग करते हैं कि हमारी मथुरा जिले में फसल को आपदा में घोषित किया जाए, किसानों के समस्त सहकारी और सरकारी और सहकारी कर्जे माफ किए जाए, किसानों को बीमा दिया जाए, मजदूरों को मनरेगा के तहत या तो घर बैठे काम या दम मिले। हमारे देश में हमारी महिलाओं पर आने वाली मौजूदा सरकार स्वच्छ भारत के तहत नारा दिया था कि हम प्रत्येक घर को शौचालय की व्यवस्था करेंगे। लालपुर गांव में आप जाकर देखिए, भूरिया नगरा गांव में आप जाकर देखिए, लैन पट्टी में आप जाकर देखिए कि कितने घरों में हमारे जो पीड़ित शोषित महिला हैं, जो गरीब महिलाएं, कितने शौचालय बने। ढाके तीन बात है, हम पूरे देश में महिलाओं को किसान मजदूरों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। वामपंथी लोग एक मुस्त होकर हम इस भूमि बहरी सरकार को बदलने का काम करेंगे। नाम और पद? मेरा नाम गफ्फार अब्बास एडवोकेट और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, हम देख रहे हैं कि विगत दिनों भारत और फ्रांस के अंदर राफेल विमान के बारे में जो समझौता हुआ था, इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट में एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन जब मोदी सरकार आए उन्होंने उस डील को रद्द कर दिया और इन्होंने अब उसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए पर विमान के हिसाब से इन्होंने 36 विमान खरीदे हैं। इससे लगता है कि मोदी की सरकार ने तीन गुना दाम देकर अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अपने आप को सम्मिलित किया है। और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा सार्वजनिक उपक्रम है जिसको हम HAL बोलते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जहाँ जहाज बनाया जाता है, तमाम कर्मचारी काम करते हैं, उसके माध्यम से ना लेकर आडवाणी उस मोदी जी ने अपने चहेते अनिल अंबानी की कंपनी को ये ठेका दिलवाया है। इससे स्पष्ट है कि अनिल अंबानी को एंड कैंप सेकेंड तरीके से ये लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने चुनाव फंड को लेने के लिए ये कॉर्पोरेट घरानों को, पब्लिक सेक्टर को कमजोर करते हुए निजी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे मथुरा जिले के अंदर तमाम जो हमारे किसान हैं, धान किसान हैं, उनकी फसलें डूब गई हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके कर्जे माफ़ किए जाएं, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी मांग की है कि मथुरा के अंदर तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ गरीब लोग एक दो मकान है गाँवों के अंदर, दबंग लोग उनके कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ कब्रिस्तानों के हिफाजत के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। गोवर्धन के अंदर लगातार गरीब लोगों को उनके मकानों से उजाड़ा जा रहा है। NGT के नाम पर तमाम लोगों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि उनको उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए, तब गरीब लोगों को वहाँ से उजाड़ा जाना चाहिए। ये इन्हीं सब लोगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारे साथी हमारे साथ CPI ML के हैं कॉम्बेंड। आपका नाम और पद? नसीसा एडवोकेट, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महले। आज आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? ये CPI हमारी जो
बरादराना हमारी पार्टी है वामपंथी, उन्होंने ज्ञापन दिया है यहाँ, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर एक अपोजिशन का जो पूरा अभियान चल रहा है इसी मोदी योगी की सरकार के खिलाफ, जो महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, राफेल के मामले में आपको बताया गया किस तरीके से जो पहले जो है बहुत कम पैसे में सौदा हुआ था फ्रांस की इत्तेहाद, और उसमें वायदा था धीरू भाई अम्बानी की जो 12 दिन पहले कम बनी थी उसको दे दिया, और वायदा था राफेल के फ्रांस का जो उस समय राष्ट्रपति था जो मोदी के साथ वार्ता हुई थी उसमें औलाद जो था बातचीत हुई थी कि ये हमें मोदी ने उसका नाम सजेस्ट किया था। भ्रष्टाचार चल रहा है पूरा, महंगाई बढ़ रही है, तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ये पूरा अभियान चल रहा है। 10 सितंबर को पूरे देश के विपक्ष ने और वामपंथी पार्टियों ने इन सारी मांगों को लेकर के किया था, और उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ CPI के द्वारा ये लिया गया है। हम अपनी पार्टी तरफ से उनका समर्थन कर रहे हैं बैठा था उसमें, और यहाँ की जो धान की फसल जो खराब हो गई लोगों की उनको मुआवजा दिया जाए, हमारे भाई जो तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उन पर तमाम कब्जा किया जा रहा है, एक तरह से कब्रिस्तानों पर उनके लोग आए उनकी मांग किया जाए, इसको लेकर के हम लगातार इनके खिलाफ अभियान चल रहा है पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ, और मैं आशा है कि 2019 में इनका सफाया हो जाएगा, जनता इनको बाकायदा सबक दे देगी।